हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के मदन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर लिए थे कि हमारी जो बॉटम सरफेस है, बॉटम फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ पर आपका टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा ये बॉटम सरफेस जब हम इस प्लेट के ऊपर ओमेगा स्पीड से इसके ऊपर कुछ रोटेशन अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था। इसके आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास रहेगा सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है? सरफेस टेंशन है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ओके, तो ये आपका सरफेस टेंशन। देखो, दो तीन बातें हैं इसके रिलेटेड। पहली तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। ओके, डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी, ओके, और चेंज इन एरिया। तो आप इसको ढंग से लिख लो, चेंज इन, लिख लो आप, चलो मैं लिख देता हूँ, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और ये डेल्टा ए क्या है? चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। ये आपका फॉर्मूला हो गया जो कन्वेंशनल क्वेश्चन करने के लिए काम आता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन बातें हैं, वो क्या है? पहली तो ये कि इसकी यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर। ये इसका फॉर्मूला है, विच इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। और अगर हम इसकी बात करें जूल के अंदर, कि जूल के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है। जूल, जैसे आप ऐसे मत करना न्यूटन पर मीटर है, जूल के अंदर जूल पर मीटर हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। जूल के अंदर क्या हो गया? जूल के अंदर एनर्जी, मतलब एनर्जी की फॉर्म में अगर आपको कोई यूनिट पूछे तो वो हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया। लिखो एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों जो यूनिट है वो ध्यान रखना, अभी ये चलन में है, इसको ज़्यादा पूछ रहे हो, क्योंकि ये तो सबको याद हो गई लेकिन ये सबको याद नहीं है अभी। तो अगर न्यूटन में बात करें तो न्यूटन पर मीटर है, ओके। फोर्स की फॉर्म में पूछे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर एनर्जी की फॉर्म में पूछे तो जूल पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर है, ध्यान रखना दोनों को। अब दूसरी बात, एक चीज़ और देखो आप, सरफेस टेंशन में से होती क्या है? तो जैसे मान लो ये अपने पास कोई बकेट है, ओके, इसके अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मान लो कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो क्या होगा? ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? कोहेजन फोर्स लगाएंगे। कोहेजन फोर्स क्या होता है और एडहेजन फोर्स क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बता रखा है, और नहीं बताया तो भी आपको पता होगा। कोहेजन फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो सेम पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं, और एडहेजन फोर्स वो फोर्स होते हैं जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को ऐसे पकड़ के नीचे खींचेंगे, फ्लूइड के, और ये पार्टिकल ऊपर वाले को नीचे खींचेगा, ये इधर वाले को खींचेगा, सारे के सारे पार्टिकल इस पार्टिकल्स को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे होगा का होगा क्या, ये सरफेस कुछ इस तरीके का बनने की कोशिश करेगा। ओके, इस तरीके की बनने की कोशिश करेगा, या तो सॉरी इस तरीके का क्यों बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनने की कोशिश करेगा। ओके, हल इतना भी डेविएशन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, हमें पता भी नहीं लगेगा देखने में, बिल्कुल ऐसे होगा हल्का सा, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से नीचे खींचेंगे, ये पार्टिकल एक दूसरे को, हल्का सा होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके कारण क्या आता है, इस सरफेस के अंदर कुछ टेंशन जनरेट होने लग जाता है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सरफेस टेंशन किसके कारण होता है,
मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि कोहेजन के कारण, एक है एडहेजन, किसके कारण होता है, तो कोहेजन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन वाइज बोलेंगे सरफेस टेंशन किस किस के कारण होता है, आपको ऑप्शन में देंगे कोहेजन, एडहेजन, बोथ, नन ऑफ दीज, तो कोहेजन इसका करेक्ट आंसर होगा, एडहेजन इसका आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कोहेजन ओनली ऐसे लिखो आप, और ओनली पे स्टार लगा लो, यही है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो क्या है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ये कैसे कम हो जाएगा, आप देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो आपका जो आपकी जो विस्कोसिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा था बताओ, लिक्विड के अंदर, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं ना ये, क्योंकि सरफेस टेंशन किसके अंदर आएगा, कोई फ्लूइड होगा उसी के अंदर तो आएगा, हर किसी के अंदर तो एयर में तो आएगा नहीं, सरफेस टेंशन फ्लूइड के अंदर आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्लूइड के अंदर जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। अगर कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा उससे क्या होगा, ये खींच, ये इसको जो पकड़ के खींच रहे हैं, ये टेंशन जनरेट कर रहे हैं, इनकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और कैपेबिलिटी कम हो जाएगी इसका मतलब सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी, तो इसके मतलब सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो आप ध्यान रखना, तीन तरीके के फॉर्मूले हैं, हम लाइन से याद करेंगे। एक तो है आपका लिक्विड, लिक्विड जेट, ओके। दूसरा फॉर्मूला आपके पास आता है वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, और तीसरा आपके पास आ जाएगा सोप बबल, सोप बबल, ओके। लिक्विड जेट, वाटर ड्रॉपलेट और सोप बबल, इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा पी, मतलब चेंज इन प्रेशर। अभी चेंज इन प्रेशर क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अभी इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर है, ये इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ओके। आउटसाइड माइनस इनसाइड नहीं है, इनसाइड माइनस आउटसाइड है, ओके तो ये जिसका फॉर्मूला होता है टू सिग्मा अपॉन डी। अब सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, प्रेशर मैंने आपको बता दिया इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, और डी क्या है, ये है डाया, डाया। अब देखो लिक्विड के लिए तो टू आ रहा है, वाटर ड्रॉप के ड्रॉपलेट के लिए फोर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी, ओके। ये वही है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ये सरफेस टेंशन है और ये डाया है। और अगर हम सोप बबल की बात करें तो इसके लिए एट हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एट सिग्मा डिवाइडेड बाई डी, वही इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, सिग्मा सरफेस टेंशन, और डी क्या है आपका डाया, ठीक है। तो ये लाइन से ध्यान रखना, लिक्विड जेट, वाटर ड्रॉपलेट, ओके, और आपका है सोप बबल, टू फोर एट, ये लाइन से याद रखोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो भूलने की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, पता नहीं रहता कि फोर किस में आएगा, टू किस में आएगा। तो ये लाइन से ध्यान रखना आप, है ना, लिक्विड जेट, वाटर ड्रॉपलेट एंड सोप बबल, दो चार आठ, इससे दो को मल्टीप्लाई करेंगे फोर, टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, और फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट आता है वो है कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी। अब देखो सरफेस टेंशन, मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ ओनली कोहेजन, बट ये जो कैपिलैरिटी है ये दोनों के कारण होता है, बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन बोथ, कोहेजन एंड एडहेजन बोथ, यहाँ बोथ में स्टार लगा देना, दोनों के कारण होता है ये, ओके। और कैपिलैरिटी आपको पता है क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसी बकेट के अंदर आप कोई पतली नली या फिर कोई पतला पाइप डालोगे इसके अंदर, तो पानी या तो इसके ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ जाता है या फिर ऐसे नीचे हो जाता है, ऊपर पानी चढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, और नीचे आता है तो हम इसको बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन। इसके भी दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आप लिख लो, इधर तो आप लिखो कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, और इधर लिखो आप कैपिलरी
डिप्रेशन। ओके, दोनों के लिए फॉर्मूले सिंपल है। एच का फॉर्मूला है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा डी, और यहां पर आपका है एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos φ डिवाइडेड बाई गामा डी। सब आपको पता है, यूनिट वेट है, डी डाया है, सी सिग्मा सरफेस टेंशन है, थीटा आपको गिवन होगा। अब देखो यहाँ पर जो फाई है ना, ये फाई, इस फाई का आप ध्यान रखना, फाई क्या है, 180 माइनस थीटा है। जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको माइनस कर देना, मतलब थीटा आपको गिवन होगा, 180 में से माइनस कर देना, आपका फाई आ जाएगा अगर डिप्रेशन की बात हो। बाकी आप हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एसएससी में, ईएसी में, ओके, स्टेट में, एजेई, जहाँ भी कोई एग्जाम लगी हुई है उसके रिलेटेड, तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखो, थीटा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं, वो आपको ध्यान रखने की। थीटा की वैल्यू डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, तीन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तीन है। देखो, ग्लास और एयर के साथ में अगर वाटर आता है, इन तीनों का कॉन्टेक्ट होता है, तो इस कंडीशन में आपको जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। ओके, अगर ग्लास एयर के साथ में केरोसिन आ जाता है, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू आपकी 26 डिग्री लेंगे। ये याद भी करना है आपको। ओके, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये याद करना है। और अगर ग्लास एयर के साथ में आपकी मर्क्यूरी आ जाएगी, तो इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 130 डिग्री होती है। तीनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ओके, जरूरी है, वाटर के साथ में 0 डिग्री, केरोसिन के साथ में 26 डिग्री, और मर्क्यूरी के साथ में 130 डिग्री। ओके, इसके साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो भी ध्यान रखना है कि कैपिलरी राइज या फॉल जो होता है, कैपिलरी राइज या जो फॉल होगा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डाया ऑफ ट्यूब। ओके, अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो ट्यूब हम इसके अंदर रखेंगे, बकेट के अंदर, इस ट्यूब की डाया, ये डाया जितनी ज़्यादा होगी आपकी, उतना ही ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल है वो कम होता जाएगा, और जितनी डाया आपकी कम रहेगी उतना ही कैपिलरी राइज और फॉल आपका बढ़ेगा। ठीक है, और इसके साथ एक बात और रखना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ही, और अगर इफ दिस डाया इज ग्रेटर देन 10 mm, अगर आपकी 10 mm से ज़्यादा डाया चले गया ना, तो फिर कैपिलरी इफेक्ट को हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, कैपिलरी इफेक्ट को हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, इफ द पाइप डाया इज ग्रेटर देन 10 mm, और अगर 10 mm से कम है तो ही हम कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।